हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है शैली और मिशा के ये रियल लव स्टोरी लेके। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि जो मिशा है उसको तो भयंकर वाले जलसी हो जाती है कि शैली अपने कुलीग के साथ बात करिए। सो देखते हैं इन दोनों के कहानी में क्या खट्टी मीठी सी टकरार होती है। सो विदाउट वेस्टिंग योर लॉट्स ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो शैली कॉल कट के काम करने चली जाती है। यहाँ पे मिशा को खतरनाक वाले जेलसी होती रहती है कि कौन है, अभी तक मुझे कॉल बैक क्यों नहीं किया। ऐसे बोल के ना उसको चैन ही नहीं पड़ रहा होता, जैसे तैसे करके ना खाना खत्म करती है, कॉलेज जाती है, बट बार बार ना मैसेज कर रही होती कि हेलो, एक रिप्लाई तो दे दो। और उधर भयंकर वाली शैली बिजी रहती है तो वो उसको फोन देखना भी भूल जाती है, काम में बिजी हो जाती है। यहाँ पे मिशा कॉलेज के लिए निकलती है बट स्टिल उसका दिमाग खराब हुआ रहता है कि क्या क्या सीन है इसका। हाँ, क्या सीन है, मुझे कॉल का रिप्लाई नहीं दे सकती। ऐसे बार बार कॉल करने लगती है बट फोन भी साइलेंट होता है कोई इंसिडेंटली, तो वो फोन भी उठा नहीं पाती। ऐसे करके तो सुबह से शाम हो जाती है और हमारी जो मिशा है ना उसका दिमाग एकदम खराब हो जाता है। वो खाना पीना छोड़ देती है, उसको इतनी जलसी हो रही होती है तो वो एकदम बैठी होती है कि छुट्टी का टाइम कब होगा। जब छुट्टी का टाइम होता है ना तो वो देखती है शाली की इतना सारा मिस कॉल, इतना सारा मैसेज, भाई अब तो ये बंदी मेरी वॉट पक्का लगाने वाली है। ऐसे बोल के ना वो कॉल करती है, बोलती है कि हे मेरा बच्चा, इतना सारा इतना मैसेज यार, सॉरी मैंने देखा नहीं, आई एम रियली सॉरी। तो मिशा बोलती है अब क्यों कॉल किया था, अब नहीं देखा था ना, अब भी मुझे बात नहीं करनी, कॉल रखो। तो शाली बोलती है अरे पापा रुको। तो मिशा बोलती है क्यों रुको, मुझे कोई बात नहीं करना, चलो बाय। ऐसे करके कॉल कट कर देती। तो शाली फिर से उसको कॉल बैक करती है। तो मिशा कॉल उठाती है, बोलती क्या है, क्यों कॉल किया फिर से। तो शैली बोलती मुझे बात करनी है ना। तो मिशा बोलती मुझे बात नहीं करनी है। तो शैली बोलती सॉरी ना बाबू, सॉरी ना बच्चा। तो मिशा बोलती कितनी बार बोला मैंने मैं आपकी बाबू सोना नहीं हूँ। तो शैली बोलती मिशू प्लीज मान जाओ ना प्लीज। इतने देर में ना शैली की फ्रेंड आके बोलती कि ए शैली आज मुझे लिफ्ट दे रही हो ना तुम। तो शैली बोलती हाँ ऑफ कोर्स। तो मिशा बोलती कौन कौन है ये। तो शैली बोलती मेरी फ्रेंड है। मिशा बोलती ये सुबह वाली है। तो शैली बोलते हैं हाँ वही है। तो मिशा बोलती तुम उसको लिफ्ट नहीं दे रही हो। तो शैली बोलते हैं अरे यार लिफ्ट कैसे ना दो, फ्रेंड है मेरी। तो मिशा बोलती मैंने बोला ना लिफ्ट नहीं दोगी। और वो आके ना उसे स्कूटी के पीछे बैठ जाती, बोलती बोलती हाँ शैली चलो। तो मिशा बोलती वो आपके पीछे बैठी है। तो शैली बोलती कि हाँ बाबा पीछे ही बैठी है। हाँ बोलती बस हाँ बोलती। तो मिशा बोलती ओके फिर मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे बोल के कॉल कट कर देती। इधर शैली अपने फ्रेंड को नीचे उतार भी नहीं सकती तो उसको ड्रॉप करके ना वो घर चली जाती है और फिर से ना मिशा को कॉल लगाने लगती है। 10 12 50 60 कॉल हो जाते हैं तब जाके मिशा कॉल उठाती है। तो मिशा बोलती है कि अब क्यों कॉल किया। तो शाली बोलती है वो इतना कौन गुस्सा होता है यार। तो मिशा बोलती है मैं गुस्सा होती हूँ। तो शाली के मुंह से निकल जाता है यार तो एकदम बीवी वाली हरकतें कर रहे हो। तो मिशा एकदम चुप हो जाती है, बोलती है क्यों, बीवी को ही बस हक होता है क्या गुस्सा करने का। तो शाली बोलती है नहीं आपको भी हक है बट हम आपके है कौन। तो मिशा ये चीज सुन के ना एकदम चुप रह जाती है, बोलती है ठीक है गुस्सा नहीं करूंगी बाय। उसे बोल के कॉल कट करने वाली होती। तो शाली बोलती है सॉरी 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 बाबा, आई एम रियली सॉरी। हाँ हाँ पहली गलती है ना, आज की गलती है, प्लीज एक पहली गलती बोल के समझ के माफ कर लो प्लीज प्लीज प्लीज। तो मिशा बोलती है इट्स ओके मुझे बात नहीं करनी, मुझे नींद आ रही है। तो शाली बोलती सॉरी ना मिशू रुक जाओ ना, हाँ मैंने पेट भर के खाना खाया इसलिए मुझे अब गहरी वाली नींद आ रही है। शैली बोलती आपने खाना नहीं खाया ना। तो मिशा बोलती खाना खाया बोला तो मैंने अभी। तो शैली बोलती कि आपने खाना नहीं खाया, चलिए साथ में खाना खाते, खाना निकालिए। तो मिशा बोलती कि मुझे खाने का मन नहीं है, मैंने ठूस ठूस के खाना खाया, समझ नहीं आता आपको। तो शैली बोलती प्लीज ना आप नहीं खाना खाओगे ना तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, देखो आपको मेरे साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मिशा बोलती कि आप वहाँ पे मैं यहाँ पे आपके साथ में कैसे खाना खा सकती हूँ। हाँ तो शैली बोलती है कॉल पे चलो वीडियो कॉल करते हैं। तो मिशा बोलती है कि मुझे नहीं करना कोई वीडियो कॉल। तो शैली बोलती है ठीक है फिर आप चाहती हो मैं भूखी रहूँ तो ठीक है फिर मैं नहीं खाना खाती हूँ। तो मिशा बोलती है ठीक है भूखी रहना है ना भूखी रहो, ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। शैली को बहुत बुरा लगता है और वो ऐसे ही बैठी रहती है थोड़ी देर में। मिशा कॉल तो कट कर देती है बट उसको भी टेंशन होने लगती है कि वो खाना नहीं खाएगी तो तुरंत से उसको कॉल कर लेती है तो उनका वीडियो कॉल चलता है फिर। तो शैली एकदम खुश हो जाती है। तो मिशा बोलती है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, खाना खाओ चुपचाप से। तो शैली बोलती है आप खाना खाओ फिर मैं खाना खाऊंगी। तो मिशा बोलती है मुझे भूख नहीं है बोला ना मैंने। तो शैली बोलती है ठीक है फिर मुझे भी भूख नहीं है मैं भी नहीं खाना खाऊंगी। तो मिशा बोलती है हो अजीब जबरदस्ती यार क्या मजाक बना रखा है क्या मेरा, जब तुम्हारा दिल चाहे जो करेगा वो करोगी। तो शैली बोलती है यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं प्लीज ना बाबू। तो मिशा बोलती है पहली बात तो वो बच्चा बोल लो मन करो मैं नहीं हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तो शैली बोलती फिर बन जाओ ना तुम। तो
निशा एकदम से चुप हो जाती है और शाली को एकदम से देखने लगती है। तो शाली बोलती है, अरे बाबा बहुत भूख लगी है, चूहा चूहा मुर्गा कुत्ता बिल्ली सबको नाच रहा है यार, प्लीज 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 खाना खा लेते हैं ना, प्लीज 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 ऐसे बोल के रोने लगती है। तो निशा बोलती है कि ठीक है, और वो भी खाना लाती है, ये दोनों एक साथ ना बहुत प्यार से खाना खाने लगते हैं। उतने देर में ना जब निशा का ना थोड़ा थोड़ा गुस्सा होता है ना वो भी उतर जाता है, तो ये दोनों फिर ऑडियो कॉल पे आ जाते हैं। तो निशा बोलती है कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा था। मिशाली बोलती, रुक जाओ ना प्लीज, हम सुबह से बात नहीं किए ना। तो मिशा बोलती, एग्जैक्टली हम सुबह से बात नहीं किए फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ता है। तो शैली बोलती, फर्क पड़ता है बाबा, बट जॉब है ना। तो मिशा बोलती, जॉब है तो मैं नहीं हूँ क्या, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ? और उस लड़की को लिफ्ट देने की मैंने मना कर रही थी ना। तो शैली बोलती, अरे यार वो एड गई थी यार, फ्रेंड है। तो मिशा बोलती कि फ्रेंड है, मुझसे बड़ी फ्रेंड है, मुझसे ज्यादा स्पेशल है वो। तो शैली बोलती, नहीं आप सबसे स्पेशल हो। तो मिशा बोलती कि मैं सबसे स्पेशल हूँ तो मेरी बातें सुननी चाहिए ना। तो शैली बोलती, सॉरी ना बाबा, आज के बाद से उसे क्या किसी किसी भी लड़की को लिफ्ट नहीं दूंगी। और तो मिशा बोलती कि और उसके साथ बात भी नहीं करोगी? तो शैली बोलती, पर क्यों? तो मिशा बोलती, मैंने बोल दिया ना तो बोल दिया बस। तो शाली बोलती, बट क्यों बोलोगी? निशा बोलती, क्यों, मैं आपके लिए काफी नहीं हूँ? तो शाली बोलती, क्यों आप मेरे लिए काफी क्यों होनी चाहिए? आप फ्रेंड हो, आप जैसे 1,000 फ्रेंड भी बनानी चाहिए। तो निशा बोलती, अच्छा मेरे जैसे 1,000 फ्रेंड भी ना, ठीक है चाहो उन्हीं 1,000 से बात करो, मुझे ना बहुत नहीं करनी। तो शाली बोलती, अरे पापा पापा रुको 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 ना सही, प्लीज 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 1 मिनट, आई एम सॉरी, देखो मैंने कान पकड़ लिया, प्लीज आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो मिशा बोलती कि मुझे गुस्सा क्यों दिलाती हो फिर इतना सॉरी बोलना होता है? तो शाली बोलती, वो क्या है ना, आपको मनाने में बहुत अच्छा लगता है और आप गुस्से में बहुत ज्यादा क्यूट, बहुत ज्यादा प्यारी लगती हो ना, मन करता है आपके चिक्स ऐसे खींचू, ऐसे नोजी खींचू और आपके लिप्स ऐसे करके किस करूँ। तो मिशा ये सुन के ना एकदम शॉक हो जाती है, एकदम स्पीचलेस हो जाती है, और शाली को रियलाइज ही नहीं होता कि उसने क्या बोल दिया। वो एकदम से ना बोलती, शिट 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 क्या बोल दिया मैंने। तो मिशा बोलती कि क्या 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 बोला आपने ये? तो शाली बोलती कि वो कुछ कोई कुछ कुछ भी नहीं बोला मैंने, कुछ कुछ भी तो नहीं, चिक्स पे नहीं यार, वो लिप्स पे नहीं, वो चिक्स पे था, वो ना मेरा स्लिपिंग हुक टंग है ना, तो मुझे मुझे ना बस ऐसे ही बात बस बस बोल दिया, आई एम सॉरी आपको अगर बुरा लगा। तो मिशा बोलती कि पहली बार था इसलिए माफ कर रही हूँ, आइंदा से नहीं माफ करूंगी। तो शाली बोलती है, पक्का पक्का? ऐसे बोल के ना साले के फेस पे भी बहुत बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। और ये दोनों फिर से पूरी रात बात करते हैं, इतना कि 3 बजाते हैं रात के। तो शाली बोलते हैं, सुबह ऑफिस जाना है प्लीज ना, बस बोलते हैं ना बात करना। तो मिशा बोलती, नहीं मुझे नहीं बात करो, मुझे नहीं पता, बात करो आप, बात करोगे मुझे नहीं पता। तो शाली बोलती, ओके बाबा ओके चलो बात करते हैं ना। और ये फिर से बात करने लगते हैं, और शाली सुबह एकदम स्लीपी स्लीपी होके ना ऑफिस के लिए जाती है, बट उसका किसी काम में मन ही नहीं लग रहा होता। कभी यहाँ पे ढूंढ करके सो जाती है, कभी वहां पे ढूंढ करके सो जाती है, और यहाँ पे मिशा एकदम घोड़े गधे वेची एकदम मजे से सोती है। शाली फोन देखती है, ऑफिस छुट्टी टाइम क्यों नहीं हो रहा है यार, मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है, इस मिशा के बच्ची को ना मैं छोड़ूंगी नहीं, कितना तंग करती है मुझे ये। ऐसे बोल के ना वो इधर ऐसे, तो उसकी फ्रेंड आ जाती है और बोलती कि हे शाली क्या हुआ तुझे, तू इतनी स्लीपी स्लीपी क्यों दिख रही है, रात को सोई नहीं थी क्या? तो मिशा बोलती, नहीं यार नहीं सोई थी, बात कर रही थी ना। तो शाली बोलती, ओ, तो शाली की फ्रेंड बोलती, वो चीजों से? मिशा बोलती, कौन चीजों? मिशो से बात कर रही थी मैं। तो शाली बोलती कि हाँ यार तुझे गर्ल्स में इंटरेस्ट है, मुझे पता ही नहीं था। तो शाली ये सुन के ना एकदम चौके उड़ जाती है, एकदम उठ जाती है, बोलती कि क्या 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 बोल रही हो तुम? हाँ ऐसा ऐसा कुछ 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 भी नहीं है। तो उसकी फ्रेंड बोलती कि चिल चिल यार, मैं तो बस मजाक कर रही थी, कौन ये मिशो? हाँ तो शाली बोलती, वो बस मेरी फ्रेंड है, और कौन होगी? बस बस फ्रेंड है, फ्रेंड है, और हटा तो मुझे काम करना है, वो बहुत काम है, और मुझे कोई स्लिपरी फील नहीं हो रहा है। ऐसे बोल के ना वहां से उठ के वो भाग जाती है, और उसकी धड़कने ना एकदम जोर जोर धड़कने लगती है। तो यहाँ पे शेरी को ना पहले से ही पता होता है कि उसको गर्ल्स में ही इंटरेस्ट है, उसको बॉयज में उतना इंटरेस्ट नहीं है, बट ये बात वो किसी से पता ही नहीं होती है। सो
वो एकदम जाके ना एकदम धक 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 उसका दिल एकदम धड़कने लगता है, और रात की मिशा की उसकी बातें ना सब उसको याद आती है। तो शैली बोलती है कि यार मुझे सच में मिशा के लिए फीलिंग्स आ रही है, बट क्या उसको भी मेरे लिए फीलिंग्स आ रही होगी? कैसे पता करूँ यार मैं कि उसको मेरे लिए फीलिंग्स है कि नहीं? वैसे तो हम सारी दुनिया भर की बातें बोल देते हैं, बट अपने दिल की बातें उससे बोलने में इतना क्यों घबराहट होती है? क्या करूँ मैं? कैसे मिशा से पूछूँ? कैसे क्या करूँ? ऐसे बोल के ना वो सोचने लगती है, तो उसकी फ्रेंड फिर से आ जाती है, बोलती क्या हुआ कॉफी पी रही है? तो शैली बोलती हाँ कॉफी पी रही हूँ, क्या पीऊंगी सहरी दे दो मुझे, बस सब कोई टोकने आ जाते हो, मुझे हटो मुझे काम करना है, ऐसे बोल के वहां से चली जाती है। उसकी फ्रेंड बोलती अजीब लड़की है यार, इसको तो कुछ बोला ही मैंने, ये फिर इतना क्यों भाव कर रही है, चलो जाने दो मुझे उससे क्या। और इधर ना शैली एकदम उसके दिमाग में ना अचानक से घंटी बजती है कि क्या मैं उसको पूछूं? उसके दिल में पहले से ही होता है मिशा के लिए, बट पूछो पूछो या ना पूछो ऐसे वाला सीन चल रहा होता है, क्योंकि डीपी देख के ही हमारी शैली को मिशा से प्यार हो चुका होता है। इसीलिए तो ऑनलाइन मिली एक लड़की हुई होती है और उसके पास वो बात करने गई होती है, सो कभी सीन ऐसा होता है तो शैली ना एकदम से मैसेज करती है मिशा को, तो मिशा तो एकदम घड़े गोदे बच के ही सोई होती है कि हे जाग रही हो क्या? फिर कॉल लगाती है, तो मिशा कॉल उठाती है, बोलती है मैं सो रही हूँ बाद में कॉल करती हूँ, चलो बाय, ऐसे बोल के कॉल कट कर देते। तो शैली बोलती है कैसी लड़की यार, मेरी रात की नींद खराब करके हमें सुकून से सोई है, इसको ना पाप चढ़ेगा, सच में पाप चढ़ेगा, ऐसे बोल के ना वो अपना काम करने लग जाती है। और थोड़ी देर में ना छुट्टी का टाइम भी हो जाता है, शाम हो जाती है, छुट्टी का टाइम हो जाता है, तो जैसे ही छुट्टी का टाइम होता है ना उसके कॉल पे मिशा का कॉल आने लगता है, तो शाली बोलती है हेलो बोलो, तो मिशा बोलती है कि आज उसको लिफ्ट नहीं दे रही हो ना? तो शाली बोलती है कि मैं लिफ्ट दूँ ना दूँ तुमको क्यों फर्क पड़ता है इतना? हाँ, तो मिशा बोलती है ज्यादा ना मुँह चलाने की जरूरत नहीं है आपको, जितना पूछ रही है उतना ही बोलो। तो उसकी ना फ्रेंड बोलती है कि हे शाली आज मुझे लिफ्ट दोगे क्या? तो शाली बेचारी अब क्या बोले मिशा कॉल पे, तो बोलती कि अरे नहीं यार ब्रो बहन तो समझना यार, मुझे आज मेरी फ्रेंड आ रही है ना उसको पिकअप करने जाना है। तो शाली बोलते ओ शाली फ्रेंड बोलती वो इट्स ओके ठीक है कोई नहीं मैं चली जाऊंगी। तो शाली स्कूटी लेके आगे एकदम भागते हुए जाते, तो मिशा बोलती हेलो हेलो हेलो, तो शाली एकदम से गाड़ी रोकती है और बोलती कि हाँ बोलो, तो मिशा बोलती लिफ्ट नहीं दी ना उसको? तो शाली बोलती नहीं नहीं दी। तो मिशा बोलती कौन लड़की आ रही है जिसको लेने जा रही हो? तो शाली बोलती कोई लड़की नहीं आ रही। तो मिशा बोलती अभी तो तुमने बोला अपनी फ्रेंड को कोई लड़की आने वाली है। तो शाली बोलती अच्छा वो? तो मिशा बोलती हाँ वो। तो शाली बोलती कि हाँ कोई है स्पेशल? तो मिशा बोलती कौन स्पेशल है? तो शाली बोलती है कोई बहुत स्पेशल, बहुत ज्यादा स्पेशल, बोलती मुझसे भी ज्यादा स्पेशल। तो शाली बोलती हाँ सबसे ज्यादा स्पेशल, मेरी स्वीटहार्ट, मेरी डार्लिंग, मेरा प्यार। तो मिशा एकदम गुस्सा होता है, बोलती तो फिर उसी से बात करो, जाओ मुझसे क्यों बात कर रही हो? तो शैली बोलती कि अरे रुको रुको रुको, शैली ने एकदम मिशा को छेड़ने के मूड में आती, बोलती कि अरे यार वो फ्लाइट में होगी ना अभी नहीं, अभी अभी तुम मुझसे बात करो। तो शैली बोलती नहीं मुझे बात नहीं करनी है। तो मिशा बोलती कि क्यों आपको जेलसी फील? शैली बोलती आपको जेलसी फील हो रही है? मिशा बोलती मुझे क्यों जेलसी फील होगी? तो शैली बोलती कि आपसे ज्यादा मेरी लाइफ में कुछ स्पेशल है। तो मिशा बोलती ऐसा कुछ नहीं है। तो शैली बोलती कि बोल लो ना जेलस हो रही हो? तो मिशा बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो शैली बोलती अरे रुको रुको रुको, तुमको ना मैं बाद में कॉल करती हूँ, मेरे उस फ्रेंड का कॉल आ रहा है यार, मेरी वेट कर रही होगी एयरपोर्ट पे, मुझे लेने जाना है, चलो हाँ बीवी बाय बाय। तो मिशा का कॉल कट कर देती है शैली जान बुझ के, और हंसने लगती है, बोलती कि चली मतलब चल रही है इसकी, ऐसे बोल के ना उसको स्टार्ट करती है। तो मिशा बोलती कि कौन कौन है वो लड़की, हाँ कौन मेरा कॉल कट कर दिया, ऐसे बोल के तुरंत से कॉल कर देती है। तो शाली को ऐसे स्कूटी चलाते चलाते कॉल उठाती है और हेलमेट पे लगाती है, तो बोलती कि हाँ तुम्हारा फोन बिजी क्यों नहीं आ रहा, तुम उसके लिए कॉल काटे ना? तो शाली बोलती अरे बाबा उसने बोला मैं आ गई हूँ और मैं उसको लेने जा रही हूँ, तो उतने देर में कहाँ से बिजी होगी? तो शाली मिशा बोलती तुम उसको लेने नहीं जाओगे, वो खुद अकेले आ जाएगी। शाली बोलती अरे क्या बात कर रही हो यार, इतने बड़े शहर में, दिल्ली जैसे शहर में उसको अकेला थोड़ी ना छोड़ सकती हूँ, नहीं ना मेरे लिए, और यार वो मेरे लिए इतना ज्यादा स्पेशल है, उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, जब वो मेरे स्कूटी के पीछे बैठेगी, हाय उसकी जुल्फों की खुशबू जब मेरे सांसों में घुलेंगे, क्या सीन होगा यार, इतना अच्छा सीन मैं थोड़ी ना मिस कर सकती हूँ। तो मिशा बोलती तुम नहीं जाओगी, मतलब नहीं जाओगी बोला ना मैंने, नहीं जाओगी तुम? तो शैली बोलती हाँ जाने दो ना। तो मिशा बोलती नहीं जाओगी, मतलब मैंने बोला ना नहीं जाओगी? तो शैली बोलती क्यों क्यों ना जाओ? तो मिशा बोलती मैंने बोला ना नहीं जाओगी? तो शैली बोलती मैं तो जाऊंगी यार, यार मैं तो सोच रही हूँ उसको प्रपोज कर दूँ। तो मिशा बोलती उसको क्यों प्रपोज करना है, दिन रात तुमको बात मुझसे करनी है और प्रपोज उसको करना है? तो शैली बोलती क्यों तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी क्या? तो मिशा एकदम से चुप हो जाती है, तो कुछ बोलती ही नहीं, एकदम चुप हो जाते। तो शैली बोलती है बोलो
मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो मैं तुमको प्रपोज कर लूंगी। तो मिशा बोलती है मुझे ना बहुत काम है, चलो मैं कॉल रखती हूँ, वैसे बोल कॉल कट कर देती है। और यहाँ पे मिशा की दिल की धड़कने ना एकदम धक धक हो जाती है। और शैली बोलती है यार कॉल काट दिया यार, कहीं ऐसा ना वो दोबारा कॉल ना करे। शिर 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 शाली तुम बेवकूफ बेटा, फर्क गधी है, ऐसे कौन किसी को प्रपोज करता है? तू तू सच में स्टूपिड है यार, सच में स्टूपिड, अकलमंद की चीज तुझ में तो है ही नहीं यार, कोई कोई तो यार। अब कैसे मैं उसको कॉल करूँ, तो उसको कॉल बैक भी नहीं कर सकती, किस मुंह से कॉल बैक करूँ, नहीं कॉल बैक कर ही लेती हूँ, ऐसे बोल के ना कॉल कर लेती है। तो सामने से मिशा कॉल उठाती ही नहीं, जैसे शैली का कॉल देखती है ना उसके दिल की धड़कन एकदम धक धक होने लगते हैं। तो मिशा के दिल में भी यहाँ पे समथिंग समथिंग तो होता है, बट जेलेसी तो यूं ही होती ही नहीं ना, तो उसके दिल में शैली घर तो कर चुकी होती है, ये बात उसको भी पता होती है। दोनों रियल लाइफ लव स्टोरी में ना एक चीज यार हम क्लियर होते हैं, ऐसे मनगढ़ंत लव स्टोरी में होता है कि उसको रियलाइज होता है ये होता है वो होता है, रियल लाइफ लव स्टोरी में हम लोगों को पता होता है कि हमारी चॉइस क्या है। तो यहाँ पे मिशा को भी कहीं ना कहीं पता होती है कि उसको लड़कियाँ पसंद है और उसको शैली पसंद है, इसलिए उसके लिए इतनी पॉजिटिव, इतनी जेलस, इतना सब कुछ होती है। तो उसके भी दिल की धड़कन एकदम धक धक, वो जब शैली का कॉल आता है ना तो मिशा का एकदम हाथ एकदम कांपने लगता है, थर थर कि मैं उठाओ ना उठाओ। शैली इधर कॉल कट जाता है तो एकदम बोलती है कि शिट यार क्या कर दिया मेरे, क्या कर दिया यार, शिट 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 शिट, ऐसे बोल के घर जाती है। उसको खाने का भी मन नहीं कर रहा होता, बोलती कि हे शैली, हे मिशु, मिशु यार बोलो ना, खाना खाया क्या तुमने? मिशु आप बोलो तो यार, प्लीज एक मैसेज का रिप्लाई तो दे दो यार, एटलीस्ट एक मेरा मैसेज सी नहीं कर लो, प्लीज मिशू कुछ तो बोलो यार आप, हेलो आई एम सॉरी मैंने जो बोला उसके लिए, एंड मैं किसी को भी लेने नहीं जा रही हूँ बाबा, मैं बस मजाक कर रही थी, आई एम रियली सॉरी, ऐसे बोल के ना मैसेज कर रही होती, ऑडियो मैसेज कर रही होती, बार बार कॉल कर रही होती है। और यहाँ पे मिशा के पास जैसे ये कॉल उठती है ना आती है, मतलब ये ऑडियो वगैरह मैसेज आती है ना एकदम ना वो एकदम रात हो चुकी होती है ना, तो एकदम उसको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि एकदम कॉल उठा कॉल करती है रात के 12 बजे के करीब, बोलती है बोलो। मिशा शाली बोलती है सॉरी 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 मिशू, सॉरी सॉरी एकदम सॉरी पापा सॉरी, मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद ऐसा ऐसा मजाक नहीं करूंगी आपसे, प्लीज प्लीज मिशू माफ कर दो ना, इस बार माफ कर दो। तो मिशा बोलती कि ये मजाक था, हाँ हाँ मजाक था ये सब कुछ। तो शाली बोलती हाँ बाबा मजाक था, मेरी लाइफ में कोई नहीं है आपके अलावा, आई लाइक यू, आई लाइक यू यार, आई लाइक यू लॉट, और मैं किसी लड़की की तरफ देखती भी नहीं हूँ आपके अलावा। तो मिशा बोलती क्या? तो शाली बोलती यस आई लाइक यू, इनफैक्ट आई लव यू यार, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे लाइफ में आपके अलावा कोई नहीं है, मानो जाओ ना प्लीज। तो शिशा बोलती कि मजाक तो नहीं कर रहे हो ना इस बार? तो शाली बोलती नहीं बाबा मजाक नहीं कर रही हूँ आपसे, सॉरी ना, आई एम रियली सॉरी, आई लाइक यू। तो मिशा बोलती ऐसे प्रपोज करते हैं? तो शाली बोलती क्या? तो मिशा बोलती ऐसे प्रपोज करते हैं क्या? तो शाली बोलती क्या हो क्या 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 वो बोला, उसको ना समझ नहीं आता। तो मिशा बोलती कि ऐसे प्रपोज करोगे ना मैं हाँ नहीं बोलूंगी, कॉल रखती हूँ मैं, तो ऐसे बोल के ना कॉल कट कर देती है। तो शाली के दिमाग में, शाली को बुरा लगता है कि यार कॉल कट कर दिया, मैं स्टूपिड हूँ, बेवकूफ, बोलेगी क्या जरूरत थी। फिर उसके दिमाग में चलता है ऐसे प्रपोज करोगे तो मैं हाँ नहीं करूंगी, मतलब मैं ढंग से प्रपोज करूंगी तो वो मुझे हाँ बोलेगी, यानी कि शी ऑल्सो लाइक मी, अरे हे भगवान सच में वो भी मुझे लाइक करती है, च, 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 मुझे मुझे कोई चिमटी काट दो यार, मैं खुद कोई चिमटी काट लेती हूँ, मतलब मुझे लाइक मी, मुझे मुझे लव मी, ऐसे बोल के फिर से कॉल कर लेती है। तो मिशा उठाती बोलती कि बोलो, शैली बोलती कि आप मुझे पसंद करती हो, मतलब यू ऑल्सो लाइक गर्ल? तो मिशा बोलती कि हाँ। तो शैली बोलती कि मिशा बोलती मैं ऐसा तो नहीं बोली, शैली बोलती कि मतलब ऐसे प्रपोज नहीं करूंगी तो हम ना बोलेंगे, और मैं अच्छे से प्रपोज करूंगी तो आप हाँ बोलेंगे। तो मिशा बोलती कि वो सोचूंगी। तो मिशा बोलती कि मतलब आप मुझ पर इंटरेस्टेड हो? तो शैली बोलती कि मिशा बोलती हाँ, ऐसा ऐसा भी कुछ नहीं है। तो शैली बोलती यार हाँ या ना या कुछ तो बोलो। तो मिशा बोलती ऐसे पूछोगे तो बिल्कुल ना ही बोलूंगी। तो शैली बोलती नहीं, मैं ऐसे नहीं पूछ रही हूँ, मैं ढंग से प्रपोज करूंगी आपसे, हम तब मुझे हाँ बोलोगी ना? तो मिशा बोलती हाँ सोचूंगी। तो शैली बोलती यार ऐसे कौन करता है, सोचना क्या होता है? तो मिशा बोलती अब मुझे प्रपोज करो तो सही ढंग से, फिर ना मैं हाँ या ना बोलूंगी।
तो शैली बोलते कि ओके 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 ओके, एक 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 दिन का टाइम दे दो मुझे, मैं आपको ढंग से प्रपोज करूंगी। तो निशा बोलती ओके, तो शैली बोलती कि हाँ मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं मुझे यकीन नहीं हो रहा है यार, आप मुझे लाइक करती हो। तो निशा बोलते देखो मैंने ऐसा बोला नहीं है अभी तक, आपको हाँ नहीं बोला है। तो शैली बोलती करती तो हो रहा यार, मुझे ना नाचने का मन कर रहा है, और जब मुझे रियल में हाँ बोल दोगे मुझे कैसा फील होगा। तो निशा बोलती कि ज्यादा ना नाचने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला सोचूंगी। तो निशा बोलती बाहर में जो सोच रहा है यार। तो निशा बोलती हो क्या बोल रही हो तुम। तो शैली बोलती सॉरी 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 सॉरी, हाँ सॉरी गलती होगी, अब हमने खाना खाया। तो निशा बोलती कि नहीं मैंने खाना नहीं खाया। तो शैली बोलती चलो फिर साथ में खाना खाते हैं। निशा बोलती नहीं मुझे आपके साथ नहीं खाना खाना। तो शैली बोलती सॉरी ना बच्चा, सॉरी सॉरी सॉरी। निशा बोलती कि मैं आपकी बच्चा नहीं हूँ, मैंने अभी तक हाँ नहीं बोला। तो शैली बोलती आप ना भी बोलो ना, तब भी आप मेरा क्यों सा बच्चा, मेरे मिशू मैं छुटा मैं बच्चा। तो ऐसे बोल गया ना उसको, ऐसे बोलती। तो निशा को ना ये चीज बहुत अच्छी लगती है, उसके दिल एकदम धक 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 होने लगता है, और वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। तो शैली बोलती हे पीवी क्या हुआ बोलो ना। तो मिशा बोलते नहीं भूख लगी है। तो शैली बोलती चलो फिर खाना खाते हैं। तो मिशा बोलते तो शैली ना खाना खाते हुए बोलती कि मिशो। तो शैली मिशा बोलती हाँ, बोलती कि मुँह खोलो हाँ। तो मिशा बोलती क्या, तो शैली बोलती मुँह खोलो ना हाँ, मैं आपको खिला रही हूँ बाइट खाओ ना। तो मिशा बोलती कि अच्छा तो ऐसे खिलाओगी। तो शैली बोलती हाँ अपने हाथों से बहुत ही प्यार से। तो मिशा बोलती कि अब मुझसे मिलने आओगी। शैली बोलती ये भी कोई पूछने वाली बात है बीबी, मैं जरूर आऊंगी आपसे मिलने। ऐसे बोल अब चलो मुँह खोलो जल्दी से खाना खाओ एक बाइट। ऐसे करके वैसे ना फोन में बात करते करते दोनों एक दूसरे को प्यार रहे, ऐसे ना एकदम रोमांटिकली एकदम बात करते, और पूरी रात दोनों बात करते। वो तो शैली को यकीन ही नहीं होता कि उसको कोई लड़की लाइक करती है, मतलब तो वो भी सुंदर होती है, दोनों ही सुंदर होते हैं, बट शैली को फिर भी यकीन नहीं होता कि मिशा जैसी इतनी प्यारी इतनी क्यूट लड़की उसको लाइक करती है। वो तो एकदम पूरी रात उसकी आंखों में नींद ही नहीं होता उस दिन के, अगले दिन भी नहीं सोती, और अगले दिन सुबह भी एकदम इतनी ज्यादा फ्रेश फ्रेश होती है ना, ऑफिस जाती है छुट्टी ले लेती है ऑफिस से एकदम पूरा, और यहाँ पे मिशा तो एकदम सो ही जाती है गधे घोड़े गधे बेच के। तो शैली एकदम ढूंढ ढूंढ के ना ढूंढ ढूंढ के बहुत सारी चीजें कलेक्ट करती है, बहुत सारी चीजें कलेक्ट करती है, और अपने रूम को एकदम बहुत अच्छे से डेकोरेट करती है, लाइक्स बलून कैंडल आई लव यू विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, ये सारे चीजें ना पूरे रूम में डेकोरेट होता है, पूरा रूम ना गुलाब के पेटल होता है ना वो नीचे गिरा होता है जगह जगह पे, मोमबत्ती और एक रिंग सारा वो पूरे दिन ना पूरा डेकोरेट करती है। और छुट्टी के टाइम पे ना मिशा को कॉल लगाती है। तो मिशा बोलती कि हाँ आज खुद ही से कॉल लगा लिया छुट्टी के टाइम। तो शैली बोलती नहीं आज मैं घर पे थी। तो मिशा बोलती हो पूरे दिन घर पे थी फिर भी मेरे मैसेज कॉल का कोई जवाब नहीं, मतलब आपको थोड़ा सा अटेंशन दो ना, आपका आपका भाव बढ़ जाता है, ये नहीं चलेगा मिशाली, ऐसा ऐसा मैं ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो शैली बोलती मिशो सुनो ना। तो शैली बोलती नहीं मुझे नहीं सुनना कुछ भी। तो शैली बोलती बेबी वीडियो कॉल करो ना। तो मिशा बोलती नहीं मुझे नहीं करना वीडियो कॉल। तो शैली बोलती प्लीज प्लीज मेरा बच्चा। तो मिशा बोलती मैं आपके बाबूशो ना बच्चा नहीं हूँ। तो शैली बोलती फिर बच्चा हो ना। तो मिशा बोलती कि मिशा एकदम से चुप हो जाते। तो शैली बोलती बेबी प्लीज ना वीडियो कॉल करो। तो शैली की बात सुन के मिशा बोलती कि हाँ ठीक है, और शैली वीडियो कॉल उसको करती है और मिशा एक्सेप्ट कर लेती है वो कॉल। तो शैली के लिए तो अपना फेस दिखाती है और बहुत प्यार से मिशा की तरफ देखती है, बोलती कि बच्चा यू लुकिंग सो प्रिटी। तो शैली की बात सुन के मिशा बोलती हाँ। तो शैली बस उसको एक नज़र ना प्यार वाली नज़रों से बस देखी जा रही होती है। तो मिशा बोलती हे आर यू ऑल राइट। तो शैली बोलती यस एंड एब्सोल्युटली ऑल राइट, बहुत क्यूट लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो सच्ची में। तो मिशा को एकदम ना शैली की नज़र देख के उसको शाय शाय फील होने लगती है, तो उधर उधर देखने लगती है। तो शैली बोलती हे मैं क्यूट एंजल प्लीज मेरे तरफ देखो ना। तो शैली बोल की बात सुन के मिशा बोलती कि आप मुझे ऐसा ना घूरना बंद करो, मुझे ना अजीब सा लग रहा है। तो शैली बोलती आपने मुझे बोला था ना कि मैं अगर आपको ढंग से प्रपोज करूंगी तो आप मुझे हाँ बोलोगी। तो मिशा बोलती कि हाँ हाँ तो शैली बोलती पक्का ना हाँ। मिशा बोलती मैंने हाँ नहीं बोला, मैंने हाँ हाँ बोला हाँ बोला। तो शैली बोलती कि प्लीज से हाँ ना। तो मिशा बोलती आप मुझे ढंग से प्रपोज तो करो फिर ना मैं हाँ बोलूंगी, ऐसे थोड़ी ना मैं हाँ बोलूंगी। तो शैली बोलती ओके क्लोज योर आइज। मिशा बोलती हाँ। तो शैली बोलती क्लोज योर आइज।
तो विजया बोलती कि ठीक है, ऐसे बोल के आके बंद कर देती है। तो शैली ना बैक कैमरा करती है और जो आई लव यू लिखा होता है ना उसके तरफ फोन पॉइंट आउट करती है। प्रशांत को बोलती है कि आंखें खोलो, तो वहाँ पे ना बड़े बड़े अक्षरों में ना बलून में आई लव यू लिखा होता है। तो प्रशांत बोलती है कि बस ऐसे दीवार पे लिखे, मैं थोड़ी ना बोलूंगी। तो शैली ना फिर से कैमरा सेट करती है, वहां पे लिखा होता है विल यू बी माय गर्लफ्रेंड प्लीज। तो मिशा बोलती है सोचूंगी। तो शैली बोलती है, शैली ना एकदम से कैमरा का लाइट ऑफ कर देती है, हाथ रख देती है। तो मिशा बोलती है कि यहाँ पे क्या हुआ, इतना अंधेरा क्यों हो गया है। तो शैली ना पूरे रूम का ना लाइट ऑफ कर देती है और बैक कैमरा फिर से ऑन कर लेती है और चारों तरफ कैंडल जल रहे होते हैं, वहां पे गुलाब का पेटल होता है। तो शैली बोलती है कि मिशू जस्ट इमेजिन ना कि मैं आपको यहाँ से चलाते हुए लेके जा रही हूँ, अपने हाथों में अपना हाथ पकड़ के, आपके हाथों में अपना हाथ पकड़ के। हाँ तो मिशा बोलती है कि क्या बोल रही हो आप ये। हाँ तो शैली बोलती है प्लीज ना बच्चा, प्लीज प्लीज जान प्लीज। तो शैली बोलती है कि ओके ठीक है। तो मिशा एकदम से वो एकदम धीरे धीरे कदम कदम ना अपना शैली बढ़ाते हुए धीरे 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 उसका जो ड्रेसिंग टेबल का मिरर होता है ना, बहुत बड़ा सा मिरर होता है, बहुत बड़ा सा मिरर, और उसके सामने एक टेबल रखा होता है और उसमें भी ना हार्ट बना के छोटा सा रिंग होता है। तो शैली ना जो स्टैंड होता है वहाँ पे फ़ोन को फिक्स करती है, ऐसा फिक्स करती है कि जो कैमरा होता है ना फ्रंट कैमरा वो मिरर में दिख रहा होता है और मिरर में जो हो रहा होता है ना वो फ्रंट कैमरा के थ्रू मिशा को दिख रहा होता है। तो शैली एकदम से बैठ जाती है नी डाउन करके मिरर की तरफ हाथ करते हुए और वो रिंग को ओपन करती है और मिशा की तरफ बढ़ाती है और बोलती है ना चांद तारे का वादा करती हूँ, ना दुनिया की हर खुशी का वादा करती हूँ, पर जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा साथ निभाने का वादा करती हूँ। सात फेरे का वादा सही, सात जन्म, सात फेरे का वादा ना सही, सात जन्म का वादा करती हूँ, तुम्हारी हूँ और तुम्हारी बन के रहना चाहती हूँ। जब तुमको देखा था पहली बारी तुम्हारी एक झलक से, तुमको तुम्हारे ऊपर हम दिल हारे बैठे थे, अब जब तुम बात नहीं करती हो ना मुझसे तो इस दिल को भी बहुत दर्द होते हैं। मुझे नहीं पता मैं कैसे प्रपोज करूँ आपको, पर दिल करता है आपके अलावा किसी का ना हो। अब जब जेलस फील करती हो ना बहुत सुकून मिलता है, अब जब रूठ जाती हो ना आपको मनाने में भी बहुत मज़ा आता है, आपकी गुस्सा आपका नखरा आपका जिद सब सारा आँखों पे रखने का मन करता है। बस आप मेरी जिंदगी में आ जाओ, मेरा दिल बस यही चाहता है। तो क्या आप बनोगी मेरी गर्लफ्रेंड? सात समंदर पार ना सही, चांद तारे ना सही, दिल में हमेशा महफूज रखूंगी आपको अपनी क्वीन की तरह। क्या तुम बनोगी मेरी प्रिंसेस फॉर लाइफ टाइम? ऐसे बोल के ना वो रिंग उसको देती है। इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें सुन के ना मिशा बस देखती रह जाती है और अनजाने में ही सही उसके आंखों में ना एकदम आंसू टप 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 एकदम घिरे होते। बट शहरे जैसे उसकी आंखों में देखते ना बोलते ही बच्चा इट्स ओके, आपको नहीं बोलना है ना बोल दो, पर प्लीज प्लीज यार प्लीज 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 ऐसे मत रो, प्लीज प्लीज प्लीज। तो मिशा बोलती कि सच में आप मुझसे इतना प्यार करते हो? शैली बोलती कि हाँ बच्चा बहुत ज्यादा बहुत, जब से आपको देखा है ना पहली झलक से ही आपको, हमारा वो फर्स्ट वीडियो कॉल मेरे फोन में अब तक सेव है, मैंने चुपके से जो आपकी स्क्रीनशॉट ली थी ना वो सारी चीजें, कभी हिम्मत नहीं होती थी इस डर से कि दोस्ती ही ना खो दूँ। प्लीज विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, प्रॉमिस मेरी जिंदगी में आपके अलावा कोई नहीं आएगी, आप मेरी पहली हो और आखिरी रहोगी। विल यू बी माई गर्लफ्रेंड प्लीज प्लीज, क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे के एपिसोड्स में क्या होता है, क्या मिशा शैली की गर्लफ्रेंड बन जाती है? बन तो जाएगी, ये बात तो आप लोगों को पता ही होगा, बट यार ये कहानी ऐसे ही खत्म नहीं होगी।
यहाँ पे प्यार के बाद में बहुत सारी ट्विस्ट एंड टर्न है, इसीलिए तो मैंने इस कहानी को उनसे बोला कि नहीं मुझे सुनाना है, आप मुझे पूरा दीजिए ये कहानी। तो कैसे बीच में बहुत सारा धूमधाना ना 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 होएगा, ये सारा चीज आपको देखने के लिए मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। बनाएंगे मस्त सा टीवी सीरियल, रोमांटिक सा एपिसोड्स, कैसे मिलते हैं, कैसे प्यार होता है, प्यार स्ट्रांग होता है, बॉन्ड कैसे बनता है, ये सारी चीजें जानने के लिए रियल लाइफ स्टोरी की आपको बने रहना पड़ेगा, या मेरी यानी आपके अनन्या के साथ। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है ना, मुझे सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, मेरी वीडियो को लाइक करनी पड़ेगी, आपको मेरा एपिसोड्स कैसा लगा ये सारी चीज़ें बताने के लिए प्यारी प्यारी कमेंट करनी पड़ेगी। और जो लोग मेरे साथ न्यू न्यू जुड़ रहे हैं उनके लिए स्पेशली यार मुझे ढेर सारा लव यू लव यू लिखो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे ऐसे सुनते रहो। आई नो स्टोरी नहीं है तो थोड़ी सी बोरिंग बोरिंग लग रही होगी, बट आगे स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रोमांस है, क्योंकि इन लोगों की लव स्टोरी तो रोमांटिक स्टोरी है ना। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि यार मैं रोमांटिक एपिसोड मतलब इसमें रोमांस एक्सपेक्ट मत करूँ, बट यार मैंने स्टोरी को शुरू करने से पहले ही जिनकी स्टोरी है मैंने हर चीज़ की परमिशन ले रखी है, और मुझे पता है मेरी लिमिट कहाँ तक है और मुझे कहाँ तक बोलनी है। सो डोंट वरी, जो चीज़ हो रही है जो चीज़ आगे होगी सब कुछ उनकी परमिशन से है, तो डोंट वरी यार, बी हैप्पी, जस्ट अ स्टोरी, जस्ट लिसन एंड एन्जॉय। टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, एन्जॉय योर डे, लव योर लव वंस, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।